दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मकई की रोटी होती है यानी कॉर्न की रोटी होती है उसको खाने से क्या मोटापा बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी सर्च होती हैं या फिर बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, कमेंट होते हैं, मैसेज आते हैं कि जिनको हम डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं कहते हैं कि हम मक्की की रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो आपको मैं बताऊँगा मक्की की रोटी खाने से मोटापा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव फिटनेस। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो आपको पहुंचेगी उसके आप देख के फायदा उठा सकते हैं। इस चैनल पर हेल्थ के रिलेटेड एंड डाइट के रिलेटेड, साथ में एक्सरसाइज के रिलेटेड होम वर्कआउट की वीडियोज़ हैं। एक्सरसाइज भी आप जरूर करिए एंड डाइट को भी फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है मक्की की रोटी क्या मोटापा बढ़ाती है उसके ऊपर है। तो पहले तो हमें ये चीज जाननी होगी कि जैसे जो वेट बढ़ता है वो बढ़ता क्यों है। जब भी हम कैलोरी को सरप्लस खाते हैं तो उसके साथ जो वेट है वो बढ़ने शुरू हो जाता है, अगर हम कैलोरीज को यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, तो अगर हम 2500 कैलोरीज खाते हैं एंड साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कैलोरीज सरप्लस होने के कारण जो क्या होता है जो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं है सिर्फ आपने मक्की की रोटी खाई उसके साथ ही आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कैलोरीज कंट्रोल खाएंगे एंड साथ में एक्सरसाइज करेंगे कैलोरीज को बर्न करेंगे तो आपको मक्की की रोटी खाने से कोई भी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो मक्की की रोटी उल्टा आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, वो कैसे करती है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मक्की की रोटी खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर वन जो बेनिफिट होता है कि इसमें ग्लूटन नहीं होता है, जो ग्लूटन होता है वो कनक में होता है यानी कि वीट में होता है। तो ग्लूटन क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर डिजेस्ट नहीं होता है तो बहुत तरह की एलर्जी होती है ग्लूटन से। जो ग्लूटन होता है बॉडी में फ्लावट भी करता है, कई थायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूटन से एलर्जी होती है, मतलब ग्लूटन अगर खाते हैं वो उनको बहुत सारा मोटापा वाटर होल्ड होता है। तो मक्की की रोटी में ग्लूटन नहीं होता है इसके कारण आपको फ्लावट नहीं होगी। नंबर दो जो चीज़ है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो फाइबर क्या करता है, जब ही हम मक्की की रोटी खाएंगे तो उसके साथ फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, मतलब कि जल्दी ही पेट को भारीपन फुल फील होता है, ऐसे लगता है कि भूख मिट गई। तो मक्की की रोटी खाने से आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि फाइबर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस करता है एंड आपको क्रेविंग भी नहीं होती है, तो इसका भी फायदा है। अगली जो चीज़ है नंबर थ्री, इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, आपको इसका भी बेनिफिट होता है। तो जो कनक की रोटी है उसके साथ इसका कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कनक की रोटी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ईजिली डिजेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज को एकदम से इनक्रीज करते हैं, लेकिन जो मक्की की रोटी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्लो स्लो डिजेस्ट होते हैं, जिसके कारण आपकी जो क्रेविंग होती है एंड आपकी डिजेशन की प्रोसेस होती है ग्लूकोज की फ्रॉम मक्की वो स्लो होती है। तो उसके साथ भी आपको मक्की की रोटी खाने में हेल्प होगी कि आपका वेट लॉस होगा। अगली चीज़ है जो मक्की के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें कैरोटीन होता है एंड इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, आपकी स्किन के लिए आंखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है मक्की की रोटी, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ही लाभ प्रोवाइड करते हैं। अगली जो चीज़ होती है इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है एंड मैग्नीज होता है, जो कि आपकी हेल्थ को गुड रखने के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें जो लिनोलिक नाम का एसिड होता है वो हार्ट हेल्थ को हेल्थी रखने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मक्की की रोटी खाने के, ऐसे नहीं है कि आप मक्की की रोटी खाएंगे तो उसके साथ आपका मोटापा बढ़ेगा, लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ का रखना होता है कि ओवरऑल जो कैलोरीज आप खाते हैं दिन भर में कितनी कैलोरीज खाते हैं, मतलब कि जो पोर्शन होगा आपके मील का वो कंट्रोल होगा। आप दो रोटी भी खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं, लेकिन आपने 24 आवर्स में जितनी भी कैलोरीज खाई हैं उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मक्की की रोटी की जो कम्बिनेशन होती है वो साग के साथ होती है, जब साग के साथ आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बटर पाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंट्रोल ही आपने देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मक्की की रोटी खा सकते हैं एंड आपको इससे ऐसे नहीं है कि आपका मोटापा बढ़ेगा, बस आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है। तो बाकी जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, अगर आपको वीट से एलर्जी है उसकी जगह पर आप मक्की की रोटी खाएं आपको बेनिफिट होगा, ग्लूटन से एलर्जी है आप उसकी जगह मक्की की रोटी खाएं आपको फायदा होगा, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। ओवरऑल मतलब कि हेल्दी ऑप्शन होती है, डरना नहीं है मक्की की रोटी खाने से, क्योंकि ये इंडियन जो ट्रेडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग मक्की की रोटी है। जो वीट है यानी कनक है वो तो बाहर का एक तरह के कह सकते हैं कि फूड आया है, सीड आया है, तो आपने मक्की की रोटी खाने से डरना नहीं है। तो मक्की की रोटी आप कंट्रोल पोर्शन में खाइए तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।